गुड मॉर्निंग एवरीबाडी माई सेल्फ कोमल सहानी सीनियर लेक्चर सी टी एम गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर आज का मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन थ्री कोड सी डी थ्री थ्री जीरो थ्री थ्योरी एंड ट्यूटोरियल यूनिट नंबर फोर वाटर प्लानिंग पार्ट थ्री और इसका सब टॉपिक है फोर पॉइंट टू हाउ टू सेलेक्ट कलर एंड पैटर्न जिसमें हम पढ़ेंगे आज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कलर एंड पैटर्न नीड ऑफ कलर एंड पैटर्न एंड पॉइंट्स टू बी फॉलोड इन कलर एंड पैटर्न फर्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कलर एंड पैटर्न में उसके की कंटेंट्स के बारे में जानेंगे की कंटेंट्स को हमने छ भागों में विभाजित किया है और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहला है मीनिंग ऑफ कलर, यानी रंग का अभिप्राय सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ कलर, रंग की परिभाषा थर्ड है मीनिंग ऑफ पैटर्न यानी पैटर्न का अभिप्राय क्या है फोर्थ है डेफिनेशन ऑफ पैटर्न यानी पैटर्न की परिभाषा फिफ्थ है नीट ऑफ कलर एंड पैटर्न अर्थात रंग एवं पैटर्न की आवश्यकता क्या है और सिक्स पॉइंट भी है पॉइंट्स टू बी फॉलोड इन सिलेक्शन ऑफ कलर एंड पैटर्न यानी कि रंग एवं पैटर्न के चयन में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा उसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे सेकंड स्लाइड में हम कलर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कलर थ्योरी इज अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट यानी कि रंग रंग सिद्धांत एक सांस्कृतिक रचना है कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मीनिंग क्रिएटेड बाय अ कल्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड देम आ कंस्ट्रक्शन ऑफ कलर थ्योरी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स एंड बिलीव्स सच एज ह्यूमनिज्म प्रोडक्ट ऑफ द रस विच ग्लोरिफाइज ह्यूमन नॉलेज इससे यह तात्पर्य है कि सांस्कृतिक रचनाएं प्रणाली के अर्थ का एक अंश है जो कि अपने इर्द गिर्द संसार की व्याख्या संस्कृति के द्वारा उत्पन्न करती है रंग सिद्धांत का निर्माण अन्य सांस्कृतिक रचनाओं के उच्च प्रभाव और विश्वास जैसे कि मानववाद जो कि नव जागरण का उत्पाद है तथा मनुष्य के ज्ञान को गौरवान्वित करता है अब है Meaning of colour: the property possessed by an object of producing different sensations on the eye as a result of the way it reflects or emits light. Vastu vishesh unmat gun vibhin vivid samvedan. आँखों पर उत्पन्न करते हैं जो कि प्रकाश के विकीर्ण अथवा परावर्तित का परिणाम है देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ कलर कलर इज द बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ डिजाइन रंग डिजाइन का आधारभूत एवं महत्वपूर्ण तत्व है थर्ड स्लाइड में वी गोइंग टू लर्न अबाउट द कालर्स वाई इट इज नीडेड सो नीड ऑफ कालर यानि कि रंगों की आवश्यकताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड दिक्स टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट यानि कि छह प्रकार के कंट्रास्ट यानी कि विपरीत गुण को समझने का प्रयास करना ऑल सिक्स टाइप्स कैन बी यूज टू पुट मोर और लेस एम्फेसिस ऑन अ गिविन कलर एंड आर देफो यूजफुल टू आर्टिस्ट एडवर्टाइजर्स एंड डिजाइनर्स ये सभी आठ प्रकार के जो कंट्रास्ट हैं या कि विपरीतता जो दिखाते हैं वो रंग के ऊपर अधिक या फिर कम बल उसे प्रदान करते हैं इसीलिए यह कलाकार विज्ञापनकर्ता और डिज़ाइनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये छः प्रकार के कंट्रास्ट हैं सबसे पहले है ह्यू यानी कि कंट्रास्ट ऑफ कलर्स अर्थात ह्यू एक नाम होता है विच इज आल्सो नोन एज नेम ऑफ दी कलर यानी जब हम किसी भी रंग को नाम देते हैं तो उसे हम ह्यू कहते हैं जैसे कि रेड ह्यू ब्लू ह्यू ग्रीन ह्यू या येलो ह्यू सेकेंड इज लाइट डार्क ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड बाय डिफ्रेंसेस इन द वैल्यू तो वैल्यू को दर्शाने के लिए रंग के गहरेपन को और उसके हल्के पन को दर्शाता है और ये एक ही रंग में जब हम एक ही में जब हम सफ़ेद रंगों को सफ़ेद रंग को रंग में मिलाते हैं तो उसमें टिंट्स बनाए जाते हैं और जब हम ब्लैक को ऐड करते हैं तो उससे हम शेड्स प्राप्त करते हैं तो ये जो टोन्स हैं ये जो टोन है टोन की दो एस्पेक्ट्स होते हैं यानी कि एक टेंट होता है जो लाइटर साइड जाता है और किसी भी रंग की वैल्यू को बढ़ाने में सक्षम होता है और एक साइड होता है जिसे कहते हैं हम शेड्स जब हम रंग में उसको और गहरा करने की कोशिश करते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है थर्ड इज़ कोल्ड एंड वार्म कई बार हम रंगों को टेम्परेचर के द्वारा भी मापते हैं टेम्परेचर से अर्थात है कि हमें इसे कोई थर्मामीटर से नहीं नापना है बल्कि इसे इन रंगों को गर्म और ठंडा महसूस किया जा सकता है जैसे कि जो कोल्ड कलर्स होते हैं या कूल cool कलर्स होते हैं उन्हें हम रिसीडिंग कलर्स भी कहते हैं और जो वार्म कलर्स होते हैं वो एक तरह से हीट प्रदान करते हैं या उनको देखने और पहनने से हमें एक गर्माहट महसूस होती है और ये जो रंग होते हैं इन्हें हम एडवांसिंग कलर्स भी कहते हैं इन्हें हम वार्म कलर्स की कैटेगरी में इनको इंट्रोड्यूस करते हैं देन फोर्थ इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स इन ऑर्डर एम्फिसाइज वन ऑद अदा और क्रिएट अ सेंस ऑफ एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री कालर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कालर व्हील में विपरीत दिशाओं में देखे जा सकते हैं और इन सब चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री में है कंट्रास्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन ऑर्डर टू एम्फिसाइज एक कालर एक दूसरे को एम्फेसाइज करता है तो एक अधिक एम्फेसाइज हो जाता है एक पे अधिक बल आ जाता है दिया जाता है और एक जो है उस पर कम बल दिया जाता है फिफ्थ है साइमिलटेनियस साइमिलटेनियस का मतलब होता है यानी कि समकालीन यानी इक्वलेंट कंट्रास्ट विच कॉजेज अ कलर टू अपीयर लाइक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वट एवर कलर इज सराउंडिंग इट अर्थात वह रंग को अपने समकक्ष उसको कॉम्प्लीमेंट करता है जो भी रंग उसके आसपास होते हैं सिक्स है सैचुरेशन सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्ति अर्थात इंटेंसिटी ऑफ द कलर को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कंट्रास्ट इन लेवल ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ कलर को हम यहाँ पे दर्शाते हैं इसका अर्थ है कि जो रंग है वो कितना ब्राइट है और कितना डल है इससे हम उसकी सैचुरेशन को ज्ञात कर सकते हैं अब हम इस स्लाइड में सिक्स कंट्रास्ट के बारे में पढ़ेंगे ये पहला है जो कि रेड कलर हमें दिखाई दे रहा है तो रेड कलर को हम यहाँ पे बोलेंगे अ नेम ऑफ द कलर विच इज़ नोन एज ह्यू. सो दिस इज अ रेड ह्यू ये हमारी व्हील है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर हम देखते हैं वैल्यू वैल्यू ऑफ द कलर. तो वैल्यू जो है उसमें ये बताया गया है कि ये हमारा प्योर ह्यू है प्लस ग्रे और ये जो है जब हमने वाइट ऐड किया प्योर ह्यू में तो ये टिंट का निर्माण करता है और इसमें कलर की जो लाइटनेस है या उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है और ये शेड है जब हम प्योर ह्यू में जब हम ब्लैक को ऐड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है तो डार्कनेस इन द लाइटनेस ऑफ द कलर्स कैन बी सीन इन द टोन इसके बाद हम वॉर्म कलर्स एंड कूल कलर्स को कलर व्हील के बीच में से इसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं रेड है येलो है और एक पर्पल कलर है जिसमें वह है पर्पल जिसमें रेड का जो कलर की जो परसेंटेज है वो अधिक है तो ये कैटेगरी हमारी कलर व्हील में आधी वॉर्म कलर्स की है और आधी कूल cool कलर्स की है जिसमें हमारा ग्रीन से स्टार्ट होता है और लाइट यानी ब्लू पर्पल पे एंड होता है तो ये वार्म कलर्स हैं विच आर नोन एज एडवांसिंग कलर्स एंड कूल कलर्स विच आर नोन एज रिसीडिंग कलर्स देन कम्स सैचुरेशन ऑफ द कलर विच इज ऑल्सो नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर तो जैसे जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें इंटेंसिटी एकदम से अलग से बताई गई है द हायर इंटेंसिटी रेड स्क्वायर अपियर्स क्लोजर एंड द लार्जर आप ये देख सकते हैं ये हमें बड़ा भी दिखाई दे रहा है और हमें पास भी दिखाई दे रहा है देन कम्स द कंट्रास्ट तो जब हमने कंट्रास्ट में यानी कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा था तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में हम क्या करते हैं जो भी कलर व्हील के ऑपोजिट कलर्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जैसे ये रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है येलो का पर्पल है और इसी प्रकार से हम और भी जो कलर्स हैं ब्लू का ऑरेंज है तो इस तरह से हमने सारे कलर्स यहाँ पे बना के यहाँ पे दिखा रखे हैं और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन को दर्शाया हुआ है तो इसमें एक एम्फोसाइज ज्यादा अधिक होता है और एक कम एम्फोसाइज होता है नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है टू स्टडी द एम्स टू एक्सप्लोर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कलर परसेप्शन एंड कलर कम्युनिकेशन हमें किस चीज की आवश्यकता होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे अर्थात रंग संचारण या संप्रेक्षण तथा रंग संवेदन में सम्मिलित प्रक्रियाओं का अन्वेषण तथा उन्हें खोजने के मुख्य उद्देश्यों का हम अध्ययन करते हैं थर्ड है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर टू बी एक्सप्लेन्ड यानी कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का व्याख्यान करना तथा उन्हें समझना फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द जनरल कलर फंक्शन यानी सामान्य रंगों के कार्यों को समझना या उन पर व्याख्यान करना फिफ्थ पॉइंट है एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कलर नीड्स मनुष्य की रंगों की आवश्यकताओं की उत्पत्ति एवं क्रमागत उन्नति का अनुवाद करना सिक्स है कलर इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स पीपल नोटिस्ड अबाउट क्लोदिंग द यूज ऑफ द कलर कैन क्रिएट इल्यूजन ऑफ द फिगर साइज परिधान के में सामान्य मनुष्य सर्वप्रथम रंगों का अवलोकन करता है और रंगों के प्रयोग से जो फिगर साइज है यानी जो शरीर का जो साइज है का भ्रम या भ्रम का जो सृजन करता है यानी एक भ्रम उत्पन्न करता है नेक्स्ट स्लाइड में हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पैटर्न अ पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स और शेप्स स्पेशली अ डिजाइन इन विच द सेम शेप इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर अ सर्फेस यानी कि किसी भी सतह पर जब हम कोई भी शेप्स जो होती हैं उसे नियमित अंतराल पर प्रयोग करते हैं या रिपीट करते हैं और ये संभव होता है जब हम लाइंस और शेप्स को उस सतह पर व्यवस्थित करते हैं ये पैटर्न का अभिप्राय है नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पैटर्न यानी कि पैटर्न की परिभाषा रिपीटिशन ऑफ मोटिव और मोटिव्स इन अ प्री डिटर्मेंट एरिया एट रेगुलर और इरेग्युलर इंटरवल्स इज नोन एज पैटर्न अर्थात कोई भी निश्चित क्षेत्र में मोटिव यानी कि एक सिंगल मोटिव या फिर विभिन्न प्रकार के मोटिव्स के रिपीटेशन में यानी उन्हें बार बार प्रयोग करके और प्रयोग जो है उनका वो नियमित अंतराल पे या फिर अनियमित अंतराल पर किया जाता है तो उसे पैटर्न कहा जाता है इस स्लाइड में आप विभिन्न प्रकार के पैटर्न को देख सकते हैं और किस प्रकार से उनका रिपीटिशन हुआ है आप ये देख सकते हैं कि इनमें अनियमित रूप से मोटिव्स का रिपीटिशन है और इनमें जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे मोटिव्स का रिपीटिशन है और यहाँ पे भी इरेगुलर रिपीटिशन है मोटिव्स का और यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर मोटिव्स का रिपीटेशन है स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम नीड ऑफ पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे यानी पैटर्न की आवश्यकता क्यों होती है इसमें हम सिक्स पॉइंट्स को पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट है टू स्टडी दी अरेंजमेंट ऑफ मोटिव्स इन अ गिवन एरिया यानी कि पहले से निश्चित क्षेत्र में मोटिव्स को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए उसके बारे में अध्ययन करना सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग दी टाइप्स ऑफ मोटिव्स। पैटर्न का एक छोटा इकाई जो मूलभूत इकाई है उसे हम मोटिव बोलते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं उन्हें समझना या उनकी व्याख्या करना थर्ड है इफेक्ट ऑफ पैटर्न ऑन ह्यूमन बॉडी फिगर यानी कि विभिन्न प्रकार के पैटर्न का मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जानकारी लेना या उसे जानने का प्रयास करना फोर्थ है हेल्प्स टू एम्फेसाइज और डी एम्फिसाइज दी बॉडी पार्ट्स कौन कौन से मनुष्य के शरीर हिस्सों को बल प्रदान करना या नहीं बल प्रदान करना में सहायता प्रदान करता है फिफ्थ है कैमोफ्लेज द प्रॉब्लम्स एंड फ्लैटर योर फिगर। यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो शारीरिक शारीरिक रूप से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावा करना यानी आपकी उन प्रॉब्लम्स को छुपाने का कार्य करता है और आपके फिगर को एक खूबसूरत रूप देना सिक्स पॉइंट है क्रिएट दी ऑप्टिकल इल्यूजन टू फ्लैटर योर अपियरेंस यानी आपके बाहरी अपियरेंस को दृष्टि भ्रम के द्वारा सृजन करना अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ कलर। इसमें हमारे नाइन पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रंग के चयन को प्रभावित करते हैं पहला है बॉडी कन्फर्मेशन बॉडी कन्फर्मेशन से अर्थ है बॉडी के आकार से तो हमारा बॉडी का शेप कैसा है उसके आधार पे हम रंगों का चयन करते हैं यदि हम शरीर अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो हमें लाइट कलर्स का या ब्राइट कलर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसलिए हमें उसे पतला दिखाने के लिए हमें गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए और जो व्यक्ति पतला होता है उसे हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए तथा गहरे रंगों का प्रयोग वह ना करें अब आता है क्योंकि और साथ ही साथ जब हम इसमें यह देखते हैं तो हमें कई बार बॉडी के कौन से हिस्से को रंगों के द्वारा उभारा जा सकता है और कौन से हिस्सों को छुपाया जा सकता है ये भी हमें देखना होता है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो कई शेप्स में हम उन्हें विभाजित विभाजित कर सकते हैं जैसे कि रेक्टेंगल ट्रायंगल, प्योर शेप्स आदि तो उसी के आधार पर हम रंगों का चयन करेंगे सेकंड है पर्सनल कलरिंग रेफर्स टू यानी आपका जो व्यक्तिगत जो रंग है शरीर का उस पर भी रंग के चयन प्रभावित करते हैं उस पर्सनल कलरिंग में हमारा आता है पहला स्किन या कॉम्प्लेक्शन तो हमारे शरीर का रंग कैसा है उसके आधार पे ही रंग का चयन करना चाहिए इसके अलावा हमारे बालों का कलर कैसा होना चाहिए यानी कि हेयर कलर वो भी हमारे शरीर पे किस तरह से दिखाई देंगे या प्रतीत होंगे वह भी हमें जानना चाहिए और तीसरा है दांतों का रंग ये भी हमारी पर्सनल कलरिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये भी हमारे शरीर के जब हम कोई भी रंग का सिलेक्शन करते हैं हमें जो पहनना है वो एक ये भी एक मुख्य कारक होता है थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑन कलर इन्फ्लुएंस ऑफ कलर का मतलब है कि हम कभी भी जब भी हम कोई परिधान खरीदते हैं तो कल हम ऐसा कहते हैं कि कलर इज नेवर सीन अ लोन इट इज़ ऑलवेज सीन नेक्स्ट टू अनदर कलर तो एक रंग दूसरे रंग को किस तरह से प्रभावित कर सकता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी कि जैसे कि आपके शरीर का रंग और कभी भी कोई भी रंग जो होता है वो एक सिंगल कलर नहीं होता अगर हमारा शरीर का रंग भी एक रंग होता है और परिधान का रंग भी एक अलग रंग होता है तो दो रंगों का प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होगा इसे भी ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए फोर्थ है सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट का जो स्रोत है वो कौन सा होगा जैसे कि सन हो सकता है यानी कि सूरज की रोशनी आर्टिफिशियल लाइट यानी कृत्रिम लाइट्स आदि तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट होती हैं ये भी रंग को कई बार परिवर्तित कर देती है कई बार हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी में उस रंग का प्रभाव हमारे शरीर पे विभिन्न प्रकार से पड़ता है और यही हम जब किसी आर्टिफिशियल लाइट्स में उस कलर के रंग के परिधान धारण करते हैं तो उसका प्रभाव हमें बिल्कुल अलग प्रतीत होता है तो इन लाइट सोर्सेस को भी जान लेना अति आवश्यक है कि मतलब इस तरह से हो कि जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में जब हम कोई भी कलर का चयन करें वो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में अच्छी और सुंदर दिखनी चाहिए फिफ्थ है डिस्टेंस यहां पे डिस्टेंस जो है वो क्या करती है कि जैसे जैसे हम कोई भी रंग का सिलेक्शन करते हैं या कोई प्रिंट का सिलेक्शन करते हैं दूरी पे जाने पर उसमें जो रंग का प्रभाव होता है वो कैसे प्रभावित करता है उसे ये भी एक बहुत ही मुख्य फैक्टर है तो डिस्टेंस में होता है कि जैसे ही बहुत दूर चला जाता है कोई भी व्यक्ति कोई रंग अगर पहनता है या कोई प्रिंट में पहनता है तो क्या होता है जो उसमें जो रंग होते हैं जो वस्त्र में वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाते हैं यानी कि सम्मिश्रित हो जाते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्वीड में ट्वीड में हमारा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है और जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाता है वो थोड़ा सा ग्रेष जो है टेंट में हम उसको या टोन में देख सकते हैं और इसी तरह से जब कभी भी वाइट शर्ट के ऊपर अगर रेड स्ट्राइप्स हैं और बहुत ही फाइन स्ट्राइप्स हैं तो डिस्टेंस पे देखने पर वो हमें व्हाइट और रेड जब ब्लेंड हो जाते हैं तो वो हमें पिंक कलर जैसा दिखाई देता है इसी प्रकार से छोटे चेक्स में भी हम इसी तरह से रंगों की ब्लेंडिंग को देख सकते हैं देन कम्स अ सिक्स पॉइंट विच इज नोन एज अ टेक्स्चर टेक्स्चर्स भी क्या करते हैं रंगों को परिवर्तित कर देते हैं तो टेक्स्चर्स में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा कॉटरॉय है और वेलवेट है वो भी क्या करते हैं क्योंकि वो टेक्सचर जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं तो टेक्सचर डिफरेंट होने से कलर में परिवर्तन को देख परिवर्तन हम देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो डाइज होती हैं और डिफरेंट टेक्सचर्स पे जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एक रेंज ऑफ कलर्स की प्राप्ति होती है और जो स्मूथ सर्फेसेस होती हैं उनमें जो रंग होता है वो अधिक परावर्तित होता है या रिफ्लेक्ट होता है एज कंपेयर टू रफ सर्फेसेस ठीक है फिर आता है पर्सनल कलर पैटर्न प्रेफरेंस तो हम यहाँ पे ये यह देख सकते हैं ये हमारा व्यक्तिगत मतलब सिलेक्शन होता है या हमारी रुचि होती है कि हम किस प्रकार का रंग पैटर्न में चाहते हैं ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का उसका चयन करता है तो ये एक जो प्रेफरेंस है ये भी एक अलग ही होती है तो इसमें भी ये देख लेना चाहिए कि भाई हमें किस प्रकार के रंग की आवश्यकता है और हमारा चॉइस क्या है फिर होता है पर्सनल कलर रिएक्शन पर्सनल कलर रिएक्शन से तात्पर्य है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न कलर का रिएक्शन होता है और जो भी व्यक्तिगत रंग के प्रति प्रतिक्रियाएं होती हैं क्योंकि ये मानसिक रूप से यानी हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है तो जो कलर की सेंसिटिविटी होती है उसकी जो डिग्री ऑफ कलर की जो सेंसिटिविटी है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है जो कलर मुझे पसंद है हो सकता है वो सामने वाली व्यक्ति को पसंद ना हो तो ये सब चीजें भी जो है एक प्रकार का ऐसा फैक्टर है जो कि कलर सिलेक्शन में प्रभावित करता है नाइन्थ है एज तो एज में भी हम देख सकते हैं कि एज में भी जो उम्र है आयु है जो किसी भी व्यक्ति की हो गई वो भी अपने जब रंगों का सिलेक्शन करता है तो वो उसी आधार पर करता है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ पैटर्न यानी कि पैटर्न के चयन में कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं वो हम पढ़ेंगे और क्या क्या प्रभाव डालते हैं वो फैक्टर्स वो देखेंगे पहला है स्केल और साइज ऑफ द मोटिफ़ पैटर्न जो है वो मोटिव से ही उसका निर्माण होता है और वो दो प्रकार के होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो जो मोटिव हैं वो विभिन्न साइजेज में होते हैं तो स्केल और साइज़ ऑफ द मोटिव हमारा फर्स्ट टॉप इसमें पॉइंट है जिसमें हम ने मोटिव को तीन साइजेज में विभाजित किया है स्मॉल साइज मोटिव मीडियम साइज मोटिव एंड लार्ज साइज़ मोटिव सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ मोटिव अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि मोटिव का अरेंजमेंट जो है गिवन एरिया में कैसा है फॉर्मल पैटर्न एंड इनफॉर्मल पैटर्न तो यदि मोटिव जो है रेगुलर इंटरवल्स पे होगा तो फॉर्मल पैटर्न का निर्माण करेगा और जब वो इरेगुलर रिपीटिशन होगा उसमें एरिया में तो वो इनफॉर्मल पैटर्न का निर्माण करेगा थर्ड पॉइंट है कलर ऑफ द मोटिव कई बार पैटर्न में क्या होता है कि मोटिव का जो रंग होता है वो भी उसको प्रभावित करता है कई बार क्या होता है कि कुछ एरियाज में बैकग्राउंड एरिया जो है वो दब जाता है और मोटिवस उभर कर आता है और कभी कभी बैकग्राउंड एरिया बहुत ही ब्राइट हो जाता है तो मोटिव उसमें दब जाता है तो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए पैटर्न का चयन करते समय फोर्थ है टाइप्स ऑफ मोटिव जो हम पहले हमारी एक चैप्टर में हम पढ़ चुके थे जो कि चार प्रकार के होते हैं जोमेट्रिकल मोटिव रियलिस्टिक मोटिव स्टाइलाइज मोटिव और एब्स्ट्रैक्ट मोटिव और इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया था तो इसमें हमने ये बताया कि मोटिवस का जो कि जो विभिन्न प्रकार हैं वो भी पैटर्न के सिलेक्शन में कैसे प्रभावित करते हैं इस स्लाइड में हम स्केल और साइज ऑफ द मोटिव को देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि ये स्मॉल साइज है ये मोटिव का स्मॉल साइज है दूसरा है ये देखिए मीडियम साइज में और ये लार्ज साइज है तो लार्ज साइज में जो मोटिव्स हैं, वो नंबर ऑफ मोटिव्स जो हैं वो कम हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं और स्मॉल साइज होते हैं उसी गिवन एरिया में बहुत सारे होते हैं अगर ये ट्वेंटी है तो आप ये देख सकते हैं ये सिक्स है या सिक्स फाइव एंड हाफ ही हम विजुलाइज कर सकते हैं और मीडियम साइज जो है वो इससे तो कम होते हैं और इससे अधिक होते हैं इसमें आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मोटिवस ये है फॉर्मल इसमें सब साइज एक बराबर है और रेगुलर इंटरवल्स पे इसीलिए फॉर्मल पैटर्न्स कहलाते हैं ये इनफॉर्मल पैटर्न्स हैं आप देख सकते हैं इसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे मोटिवस हैं कुछ मीडियम साइज़ के हैं कुछ बड़े हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं और इ अरेंजमेंट है इसमें कोई भी अरेंजमेंट क्या है रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं नहीं है इसीलिए इनको हम इनफॉर्मल पैटर्न कहते हैं यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मोटिव्स देखते हैं ये हमारा ज्योमेट्रिकल मोटिवस है जो कि ज्योमेट्री के सिद्धांतों पर आधारित होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है ये रियलिस्टिक है जो थ्री डी इफेक्ट देता है यानी टू डी एरिया में थ्री डी इफेक्ट्स देते हैं इसलिए इसको रियलिस्टिक मोटिव कहते हैं या ये नेचुरल मोटिवस होते हैं स्टाइलाइज मोटिवस जो होते हैं आप देख सकते हैं स्टाइलाइज मोटिवस में ये टू डी पे टू डी इफेक्ट ही करते हैं और इसमें थोड़ा आर्टिस्टिक क्रिएशन या इमेजिनेशन जो होता है वो बहुत ही प्रबल होता है एब्स्ट्रैक्ट मोटिव यह होता है जो निराकार होता है और अमूर्त तो होता है जिसे समझना बहुत ही कठिन होता है ये एब्स्ट्रैक्ट मोटिव है थैंक यू